इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाइए और द स्क्रीन पत्ती की सारी नोटिफिकेशन पाइए। दबाइए। इश्क नहीं आसान इतना समझ लीजिए, 377 का दरिया है, डूब के जाना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मोजेस यानी मूसा बन के आया और दरिया में से रास्ता बना दिया, जिसकी बदौलत युवाओं के डीपी में आज बिन बरखा ही इंद्रधनुष निकल आया है और लोग यहाँ निकल आए हैं नाचने और गाने। तो आज यहाँ की नहीं कुकू चैलेंज चल रहा है। तो आज आप बिना डरे पूछ सकते हैं कुकू से के कुकू डू यू लव मी। लेकिन हम जैसे सिंगल लौंडों का कटने का जो चांस है वो डबल हो गया है, क्योंकि कुकू कह सकती है आई हैव अ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड। तो खुल के कीजिए प्यार एलजीबीटीक्यू का मैं जिगरी यार। नमस्कार, मैं राजा रविश कुमार। क्या जी, इनको गले लगाएंगे तो इनसिक्योर तो नहीं होइएगा जी? नहीं सर, नहीं सर। हो गए भाई। तो आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? हंसराज। हंस, हंसराज हंस जी सर। ये तो हंसों के जोड़े हैं भाई, जो आज़ाद आकाश में उड़ने को तैयार हैं, है ना जी सर। तो आप ये बताइए, एक मिनट भाई, तुमने इनको ब्लर तो नहीं किया है जी? हाँ रहा है जी, कर दिए। गजब पागल आदमी हो यार। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है फोकस में लेने को, तुम काहे ब्लर कर रहे हो? हटाओ, हट गया। तो आप ये बताइए कि पहली बार कहाँ मिले? पबजी में। डुओ खेलते खेलते सर। खेलते खेलते कभी ना बिना चिकन डिनर हो गया, पता ही नहीं चला है। तो आगे क्या प्लान है सर? देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो आशीर्वाद दे दिया है, अब बस होम मिनिस्ट्री मान जाए। होम मिनिस्ट्री काहे मानेगा जी? हैं राजनाथ सिंह तो चुनाव कराने बिजी हैं 2019 के, हैं वो कहाँ आएंगे आशीर्वाद देने भाई? सर होम मिनिस्ट्री मतलब घर बार सर, माँ बाप, रिश्तेदार। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने हाँ कह दी है तो होम मिनिस्ट्री मानी जाएगा ना जी? सही है सर, बस ठीक है। शादी करोगे ना तो जलूल जलूल बुलाना, भांजा भतीजा सब ही लिखता है ना कार्ड में जी। तो फेरा में आगे कौन खड़ा होगा? आगे तो ये रहते सर, ये रहेगा तीन तक। इन रंग बिरंगे फूलों के बीच एक ऐसा फूल कुमार भी दिखा जिसका सूरजमुखी मुरझाया हुआ था। आप उदास क्यों हैं जी? हम उदास नहीं हैं। तो आप खुश हैं? आपको खुश दिख रहे हैं। तो आप क्या हैं भाई? जो भी हो अब से क्या ही फर्क पड़ता है। गे मुंडा, गे मुंडा, गे मुंडा, गे मुंडा, वसुदानी गे मुंडा। आगे कहाँ जाइएगा ये? हाँ तो आप कुछ कह रहे थे? हाँ हम कह रहे थे कि ये जंग भी जीत ली, हमारी जिंदगी का तो मकसद खत्म हो गया ना। अरे 20 साल से एक्टिविस्ट हैं, मेरे आधार कार्ड में भी जंतर मंतर का एड्रेस है, कल उठ के क्या करूँगा, क्या करूँगा, क्या करूँगा। तो कौन कौन सी क्रांति किए हैं आप? अरे आपको क्या क्या बताएं, अन्ना हजारे के साथ अनशन पे बैठे थे, केजरीवाल की सरकार बन गई, सब ट्रंप के खिलाफ थे, केवल हमने समर्थन दिया, वो भी जीत गया। अरे पद्मावती मेरी एक्स का नाम था, प्रोटेस्ट में खड़ा हुआ उसका नाम बदलवा दिया। कभी कभी तो लगता है रबीश भैया कि अपन ही सुप्रीम कोर्ट है। अब ये ना कह देना कि दांडी मार्च में तुम ही थे गांधी जी के साथ, है ना? भैया आप भी, वो मेरे दादाजी थे। लेकिन ये मुद्दा नहीं है, मुद्दे की बात ये है अब क्या करेंगे भाई, अब कहाँ जाएंगे भाई। अरे कहाँ लेके जाओ इतनी सारी क्रांति को, कहाँ लेके जाओ? अब तो डर लगता है कहीं सही में अच्छा दिन ना आ जाए। ठीक है भाई, इतना हताश कर, ठीक है भाई, इतना हताश क्यों हो रहे हो? हाँ हमारी जुआना अभी इलीगल है, जाके लीगल करा दो उसको, लौंडा लोग खुश हो जाएगा। क्या? हाँ इलीगल है। हाँ एक मिनट, क्या कर रहे हो जी? एक मिनट, हेलो, गुड लक प्रिंट्स। हाँ एक 6x6 का बैनर बनवाना है, बॉब मार्ले, बी से बस्तर, ओ से औरंगाबाद। सुनो सुनो भाई, तुम तो सीरियसली ले लिया भाई, हम तो मजाक कर रहे थे, ये इलीगल है पता है ना। रवीश जी कल तक ये सब भी इलीगल था, लीगल करा दिया ना, कल न्यूज़ में देख लेना।
बात तो सही है भाई, हाँ तुम क्या देख रहे हो, रोल कर रहे हो ना। और फिर इसके बाद मेरी मुलाकात हुई नंदिता और शबाना से, जो एक लेबनीज कपल हैं। तो आप लोग लेबनीज कपल हैं? लेस्बियन राजा जी। वो क्या है कि हमारी जवान मुड़ जाती है ना। फिर तो आपकी गर्लफ्रेंड्स काफी खुश रहती होंगी। हाँ मतलब टीवी में आते हैं तो लड़की लोग को अच्छा लगता है, है ना। ऐसे खुश तो आप लोग ही बहुत हैं, है? हाँ राजा जी खुश तो हम बहुत हैं, पर वो क्या है ना मुश्किलें अभी और बढ़ गई हैं। मतलब? अरे देखिए राजा जी, पहले जब हम इसके घर नाइट आउट पे जाते थे ना तो मम्मी बिना हिचकिचाए भेज देती थी, पर अब शक करेगी। होता है भाई, समाज क्या है, जब बदलता है तो प्रॉब्लम होती है लोगों को, है ना, समझने में। अरे रहने दीजिए राजा जी, हम पर जब फिल्म बनती है ना तो बैन हो जाती है। फायर की बात कर रही हैं, दीपा मेहता। अरे बहुत सी फिल्म्स बैन हुई है राजा जी, लेकिन जब पॉर्न की बात आती है तो आप बताइए सबसे फेवरेट पॉर्न कैटेगरी कौन सी है? हमको क्या मालूम जी। लेबनीज राजा जी, लेबनीज। हमको चिढ़ा रही हैं, हमारे शो में हमेशा रिपोर्टिंग। ठीक है मजा कीजिए, है ना। और जाते जाते हमें एक पुराना दोस्त भी मिल गया। क्या हाल है भाई? अरे रवि जी नाचिए नाचिए, रवि जी नाचिए। बहुत खुश लग रहे हैं भाई, हैं क्या राग है? सिस्टम रवीश जी, सिस्टम। लेकिन तुम तो सिस्टम के खिलाफ थे ना जी। हम कब? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं रवीश जी। रवीश जी देखिए, जो सिस्टम है ना उसी ने हमें बांध के रखा है। अगर ये सिस्टम नहीं होता ना रवीश जी, तो जानवरों और इंसानों में क्या फर्क रह जाता रवीश जी? देखिए अब जानवर जो है वो बाहर शौच करने जाता है, अब इंसान जो है चार दीवार। ठीक है ठीक है, अब तुमको सिस्टम से प्रॉब्लम ही नहीं है तो तुमसे बात करें क्या? वो तो है रवीश जी, लेकिन ये समाज। हाँ भाई क्या कह रहे थे समाज के बारे में, बोलो। हाँ समाज रवीश जी, समाज। ये सुप्रीम कोर्ट चाहे जितने भी ऑर्डर्स पास कर देना, ये समाज की सोच बदलेगी नहीं। ये हमें ए मीठे, ए गुड, ए मिश्री बुलाना छोड़ेंगे, मक्खियों की तरह भिनभिनाते रहेंगे रवीश जी। कोई ना तकलीफ, कोई ना रवीश जी, ये समाज हमें कभी गले नहीं लगाएगा। ये समाज तो क्या, मैं तो कहता हूं आप भी हमें कभी गले नहीं लगाएंगे, आप भी हमें कभी गले नहीं लगाएंगे रवीश जी। लगाएंगे क्या? लगाएंगे भाई, कहे नहीं लगाएंगे। रवीश जी आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन ये समाज रवीश जी, ये समाज LGBTQ को सिर्फ 5 अक्षरों की तरह देखता है रवीश जी। वो तो क्या है कि लोगों की अंग्रेजी कमजोर है ना, इसलिए एजुकेशन का प्रॉब्लम है, है ना। वही तो रवीश जी, सिस्टम रवीश जी, सिस्टम। ये सिस्टम नहीं किया हुआ है सब। बोल घूम के आ गए, ठीक है जाओ मजे करो, नाचो गुस्सा हो जाओ। हाँ रवीश जी, हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला तो बदल दिया, लेकिन जरूरत है समाज को अपनी सोच बदलने की। मैं तो चाहता हूँ सिस्टम से, मेरी ये दरख्वास्त है कि वो लोगों को LGBTQ के बारे में एजुकेट करे, और अगर ज़रूरत पड़े तो LGBTQ को का खा गाघा की तरह पढ़ाए, क्योंकि प्यार दीवाना होता है, प्यार मस्ताना होता है, कभी जनाना से होता है तो कभी मर्दाने से होता है, है ना। गाइज, इस बार हम आपको लाइक करने, शेयर करने या सब्सक्राइब करने नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक मैसेज है जो हम आपको बताना चाहते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, क्वियर होना अब हमारे कानून के हिसाब से गलत नहीं है, इट्स लीगल, एंड उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, एंड वी आर रियली हैप्पी अबाउट द डिसीजन एंड वी टोटली सपोर्ट इट।
केवल कानून बनने से कुछ नहीं होता है, सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी मेंटलिटी बदलें, सबको एक्सेप्ट करें, सबको हक है प्यार करने का, दोस्ती करने का। तो यही हमारा मैसेज है। हर बार इस बारे में बातचीत होती है, कुछ दिन तक ट्रेंडिंग रहता है, कुछ डीपीज रहती हैं, लेकिन उसके बाद ये बातचीत हमेशा डाई आउट हो जाती है, हम लोग उसके बारे में बात करना भूल जाते हैं, बट नॉट दिस टाइम। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस पे कमेंट करिए विद द हैशटैग नॉट दिस टाइम, एंड मेक श्योर कि आप इस बारे में सबसे बात कर रहे हैं, किसी से बात करने में झिझक नहीं रहे हैं, हर किसी से खुल के बारे में बात। हाँ, मतलब प्यार करने में शर्माना क्या है।